हम बद्रीनाथ में आए हैं, खाना खाएंगे, पूजा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, दर्शन होने के बाद, और ये यहाँ एक रेस्टोरेंट बोल रहे हैं अच्छा है, इंडियन साउथ इंडियन मुझे सभी कुछ है, और इसका नाम है सर सर्वेश्वरी। हाँ, अब यहाँ जा कर के देखते हैं खाना क्या बोलता है, अगर हुआ तो आपको भी दिखाएंगे कैसी प्लेट है, तो चलते हैं देखते हैं खाना। अब हमने ऑर्डर दिया है चपाती आएंगे, स्टेल कर दिया है, खाना खाने के लिए ऑर्डर दे दिया है, यहाँ पे था एक सरसों का साग और रोटी, मक्की की रोटी, तो सोचा वो खाएंगे, और जयंती ने बोला है कि वो गुजराती थाली खाएगी, तो देखते हैं उसमें क्या है। गुजराती थाली गुजराती, तो ये ऐसे सराउंडिंग है रेस्टोरेंट की, अच्छा है, साफ है, और पीछे उनकी किचन है, तो लोग बैठे हुए हैं इधर, पीछे में से भी देख सकते हैं आप ये खाना वहाँ कट रहा है, बन रहा है, ये पीछे सब देखो, और ये देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है और कट रहा है सलाद, और इधर है भाई साहब मक्की की रोटी बन रही है, और ये तंदूर अच्छी तरह गर्म है। आपका नाम भाई साहब? विष्णु। सही है, वो दो मेरी मक्की की दो रोटी लग गई, और ये देखिए ये इनकी छोटी सी रसोई है लेकिन काम बड़ा है, थालियाँ लग रही हैं यहाँ पे, सब्जियाँ बन रही हैं, सब बना हुआ है, और ये मिर्ची वगैरह देखिए तड़का लग रहा है, देखिए ये मक्की की रोटी मेरी बन रही है, और ये तंदूर में बनती है, ये देखिए मक्की की लोग लग गई तंदूर में, और भाई साहब ने बना दिया, अब खाएंगे बाप, वो अलग अलग सब्जियाँ भरता बनाए, भरता मसाले देखिए, ये मसाले ये भी देखने की चीज़ है, थोड़ा टाइट हो जाएगा, जाता है, और ये थाली लग गई है किसी की, ऐसे जाएंगे नंबर वाइज, और ये भाई साहब हमको मिले हैं, ये हमको सर्व कर रहे हैं, आपका नाम? धीरेंद्र रावत। धीरेंद्र रावत, रावत जी हैं, साउथ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, अच्छा, और यहाँ पर साउथ इंडियन खाना बनता है, ये देखिए यहाँ पर डोसा बनता है साउथ इंडियन, और ये भाई साहब प्याज काट रहे हैं, साउथ इंडियन खाना यहाँ बनता है, और ये काम सबसे मुश्किल भाई साहब कर रहे हैं, ये आसान नहीं है, हाँ मैं भी काटता हूँ कभी कभी घर पे, हाँ लेकिन इसके बहुत इसका बोलते हैं कि अलग अलग ढंग से काटो लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, वो आ ही जाता है, आना ही है, आना ही है, वो चाय बन रही है इतने तेज। आपका नाम? संजय। संजय संजय संजय, और इतनी तेज दूध है उसमें जी सर, ये देखिए बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ये छोटी रसोई नहीं है, ये रोटी का है और वो डोसे का है, ये भाई साहब डोसा बनाते जल्दी जल्दी बनाते, और आपका नाम भाई साहब? बी एस थापा। बी एस थापा जी सर, थापा साहब सही है, नेपाल से हैं, और वो मसाला पड़ा है मसाला डोसा डालने के लिए, सही है, थैंक यू भाई साहब आपका।
ये देखिए सब्जियां काटी जा रही हैं, ये मिक्स मिक्स सब्जी होगी ये। आप यहाँ पे क्या करते हैं? रसोई के चीफ हैं? आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं सर्विस में हूँ सर। सर्विस में, सही है। यहाँ बिजी भी हैं कुछ लोग। और ये था, अभी हमारा खाना लग चुका है तो हम खाना खाएंगे। देखिए आ गए हम, और ये जयंती की गुजराती थाली आ गई है। ये देखिए इसमें बहुत कुछ है, सब्जियां, चावल, रोटी और कोई मेरा साग आ जाएगा। और वो भाई साहब जो बैठे हैं वो ऑनर है, तो ठीक है अब साग की वेट करते हैं, फिर देखते हैं। और जयंती तैयारी कर रही है खाने की, तैयारी है बस खाने की। ये देखिए मेरी मक्की की रोटी और साग आ गया बनके, और वो अचार है साथ में, हरी मिर्च, जितनी खाइए जितना दिल करे खाइए। तो ये अब हमारा आज का खाना हो गया, तो अब देखते हैं इसका टेस्ट क्या है, फिर आपको बताते हैं खाने के बाद। अगर अच्छा लगा तो फिर आप बताएंगे, अच्छा तो लग रहा है। ओके, जयंती से पूछते हैं उसको टेस्ट कैसा लग रहा है गुजराती खाने का। मेरा तो जो साग और मक्की की रोटी है वो तो जो होनी चाहिए वैसे ही, बहुत अच्छी, और साथ में हरी मिर्च भी है। देखिए हरी मिर्च अभी खानी शुरू की है, दही आ गया। अब जयंती बताएगी कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है। मुझे सारे अच्छी लगती है, पहली बारी खा रही हूँ। दाल का टेस्ट, दाल का टेस्ट भी अच्छी है, दाल नहीं है हाँ दी दाल, खट्टा मीठा कड़ी है, टेस्ट वैसे टेस्टी मुझे अच्छा लगता है। बढ़ता कैसे टेस्ट भरता, बैंगन का भरता टेस्टी है। और सब्जी है कुछ साथ में? सब्जी आलू की सब्जी, तो अच्छा टेस्ट है। मुगल तरम सांपड़ सांपड़ गुजराती सांपड़ है, टेस्ट है सही है। ऐतर भी होगा। देखिए हमने खाना खा लिया और खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा था। और सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे ये देखी है कि इस रेस्टोरेंट पे आपको खाना तो टेस्टी मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ सफाई भी है, मतलब अच्छी तरह से पूरा ध्यान है, किचन में भी लोग अच्छी तरह से काम करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए ये बिल्कुल मतलब साफ, अभी यहाँ बैठकर खा के गए हैं 10 आदमी, बिल्कुल टेबल साफ़ है, हमारा भी हमने उठे नहीं है फिर भी टेबल साफ हो गया। और ये अराउंड पूरी सफाई है, बर्तन भी अच्छी तरह से धो रहे हैं, और ये काम हो रहा है तेज़ी से हो रहा है, मतलब इतनी सफाई है कि पूछो मत। हमको अच्छा लगा यहाँ पे, और ये काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, तो देखते हैं भाई साहब अगर पूछते हैं। देखिए हमें खाना खाने के बाद बाज़ार में घूम रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कैसे लोकल बाज़ार है। और आप देखिए दुकानें जैसी होती हैं, ये भी एक खाने का हो गया, भोजनालय लिखा है। और यहाँ से हम खाना खा रहे हैं, उनके बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पे, और लोग अभी भी दर्शन करने जा रहे हैं, तो लाइन लंबी लगी होगी। 9 बजे तक मंदिर 9 बजे तक खुला रहता है, तो 9 बजे तक चलती है। तो ये बद्रीनाथ की गलियां हैं, अब पता नहीं क्या नाम है इसका, क्या भाषाएं हैं। नहीं नहीं देंगे रोस्ता था थोड़े सो वे बड़ा इंकला रोस्ता भी है रोस्ता कितना ना कहां करके तो कोला कोला हैं क्या भी तुम चाहते हो ना रोस्ता पता नहीं यहां पे है ही नहीं कोई बताने को
भाई रोस्टेड है? रोस्टेड है वैसे ही है, रोस्टर नहीं है, नहीं रोस्टर नहीं ना बोला। हाँ जी रोस्टेड है, सॉल्टेड। अच्छा वो रोस्टेड सॉल्टेड है वो, देखना टेस्ट दिखाइए थोड़ा, तेरे बर्फ देना है यार इनको, दीजिए एक। अरे मेरा फुट का पैकेट है। अच्छा इसमें कितना होता है पैकेट में? 250 ग्राम हो गया। 240 ग्राम से वैसे, लेकिन यही चीज पैकेट में है? हाँ ये सेम है, ये डाला हमने इसमें। अच्छा ये खुला बेचते हैं? खुला जाता, कोई 100 ग्राम भी जाता है, कोई 50 ग्राम भी जाता है। अच्छा जी पैकेट खोल के डाला। अच्छा तो आपका मतलब खुला लेना चाहिए कि पैकेट? सेम है जैसा आपको ठीक लगे, सेम है दोनों। या मैं थोड़ा दुमो से पापड़ ही लेती हूँ। कभी शॉप पर आप किए थे ना? तो बाकी फिर मुझे फिर सुनाओ पापड़ आंदे। आपके पास तो पेपर है कोई टिश्यू पेपर है कोई? हाँ ले लो, जन थोड़ा है धने बेहतर है। अगर क्या लगी? ये आँख में लग गया कुछ। तो ठीक है आप एक एक पैकेट बहुत है, एक पैकेट। तो ये हमने खरीदा है, ये हो रहे हैं दिन तो बोर हैं। कैश नोट कर थोड़ा अंदर रख लीजिए बैग। थैंक यू। ओके भाई चल ये भी हो गया, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, देखते हैं। कुछ दुकानें बंद हैं कुछ खुली हैं, लेकिन ये सब मंदिर के पास की दुकानें हैं, तो लोग बेचते हैं यहाँ पे अपने मंदिर के प्रसाद जो ऐसी चीज़ें। और ये वही लोग हैं जो वज़न उठाते हैं, पीछे उठाकर बैठाकर के लेके जाते हैं। देखिए लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, यात्री आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और वो देखिए ऐसे ये मंदिर जाने का रास्ता है, हम जा चुके हैं। टैक्सी स्टैंड है, थोड़ा बद्रीनाथ मतलब कैसा है देखने में घूमने में तो यही दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं थोड़ा कैचअप हो जाए घूमने वालों को लिए भी। और वो देखिए पीछे पहाड़ियों पे छोटा छोटा कुछ पता नहीं क्या चीज़ है, एन फट हम जूम आउट करेंगे तो दिखाई देगा शायद। ये कुछ है छोटी छोटी झोपड़ियाँ टाइप, अगर लगता नहीं क्या है समझ में नहीं आती। अभी ये कुछ है ये काफ़ी दूर है हम, देखिए वो दूर थी तो शायद थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये बाज़ार की रौनक है, कैमरे में कैच हो जाएगी तो अच्छी रहेगी। हमारा तो आपका धन्यवाद सर जी। यस जय श्री राम। ऐसे धन्यवाद कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं लोग। हम बाज़ार में हार पहन कर घूम रहे हैं, आपने देखी होगी हमारी फ़ोटो। लेकिन ये मतलब ये कि पूजा हुई थी हमारी तो हमारे पंडित जी ने हमें पहनाया था, पांडे जी ने पहनाया तो मैंने अभी हमने उतारा नहीं, तो इधर चल तो हम पहन रखे घूम रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो बन रहा है। वी कम देन वैगन। देखिए
लोग अभी भी टेंपल के बारे में आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। वो देखिए ऐसे वजन उठा कर लेते आते हैं। अभी थोड़ी ठंड हो गई है वैसे, वो तो हो ही जाती पहाड़ में। तो और ये देखिए, मैं खुद भी पंजाब से हूँ और अच्छा लगता है ये सरदार जी बैठे हैं, ये भी आए हैं धाम पे मत्था टेकने के लिए। और ये यूनिटी जो है अच्छी लगती है देखने में, तो ऐसा है। और यहाँ पे ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, एटीएम भी है, पैसा वगैरह निकालना तो निकाल सकते हैं। तो ये सब काफ़ी सुविधाएं हैं फिर भी यहाँ पे। और जो बन रहा है वो तो सराउंडिंग जो चेंज हो रही है वो तो हो ही रही है बद्रीनाथ पे सारे। देखिए ये भी अंदर मंदिर को रास्ता जाता है, लोग अभी भी आए हैं जा रहे हैं, किसी को जल्दी है, बस ऐसे दुकानें हैं। ये देखिए देसी दवा की दुकान है, जो आस्थमा वगैरह जो ऐसी चीज़ें ठीक होती हैं तो जूस भी मिल रहा है। ये देखिए दुकान है, यहाँ पे कुछ नेचर की चीज़ें मिलती हैं, हींग केसर, ये कश्मीरी केसर मिलता है यहाँ पे। क्या अलग अलग पैकिंग है इसकी, क्या होता है? कहाँ दिखाई देता है, कहाँ है रखा है वो केसर? हाँ जी दिखाइए। अच्छा वो शीशी वाला वो अलग है, ये 2 ग्राम है। अच्छा इसका 1 ग्राम और 2 ग्राम, लेकिन चीज़ एक ही है, एक ही चीज़ है। इसका क्या प्राइस होता है? 110 का है ये चीज़ होता है। उसमें कितना होता है ये? हाँ 1 ग्राम 2 ग्राम हो गया, 600 का 310। हमारा उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से है, क्वालिटी आपको ये ग्रेड मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वो शीशियों में क्या है, वो छोटी छोटी जो शीशी है ये बड़ी इतर है? इतर ये वो चीज़ है जो आजकल लोगों को पता नहीं है असल में। आजकल वो चलता है ना सेंट छिड़का लेते हैं, लेकिन इतर को लगाओ तो खुद को इतनी स्मेल नहीं आती, दूसरे को आती है, सुना है मैंने। ऐसा ही भाई साहब, इसका क्या प्राइस है इतर का? 150। ये अलग अलग इसका मतलब कस्तूरी, इसमें अलग अलग चंदन है, दिखाइए कस्तूरी और चंदन का कैसे है जी, लोग इनको दिखाइए। अलग अलग चीज़ों में सब कुछ, दोफ्त नहीं है इतर है। हाँ वही मैं वो बोतल में वैसे मिल सकते हैं जयंती। थोड़ा सा हमने सामान खरीदा यहाँ से, तो जाए इधर यहाँ पर दुकान है देसी दुकान। और ये बद्रीनाथ मंदिर को टेंपल को रास्ता जाता है, हम आगे आगे बढ़ेंगे। ये कम दिन रह गए, देखिए शाल वगैरह सब बिक रहा है ऐसे। ये कितने दुकानें और क्या शंख पड़े हैं, कितने शंख पड़े हैं। और ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चारों तरफ बद्रीनाथ कॉरिडोर बनने की तैयारी हो रही है और जोरों शोरों से काम चल रहा है। देखिए पूरा दिन रात ऐसे लग रहा है कि दिन रात लगे हुए, पूरे का पूरा कॉरिडोर नया बनेगा जो आपको पहले दिखा चुका हूँ।
और वो देखिए हमारे भारत का झंडा भी वहाँ पे है, और पूरे का पूरा बदल रहा है गगन में टोटली, और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जैसे वहाँ पे बाबा विश्वनाथ में हुआ था ऐसे यहाँ पे यही है रंग रूप ये जीवन।